हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है कार इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम, है ना। हवा का आने का और धुआं, जो ईंधन जल जाने के बाद धुआं है उसके बाहर जाने का सिस्टम, उसके बीच में क्या क्या लगा हुआ रहता है, कौन कौन सा पार्ट्स लगा हुआ रहता है, उसका क्या काम है, उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारा कार इनटेक सिस्टम, जैसा कि इसमें दिखाया गया है ना, ये इंजन है, ये आपका जो डार्क साइड में दिखा रहा है, इस साइड आपका एग्जॉस्ट, एक साइड आपका एग्जॉस्ट है और एक साइड आपका इंटेक सिस्टम है ना। एयर इंजेक्शन चेक वाल्व है ना, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, एयर पंप है, ऑक्सीजन सेंसर है ना, धुआं का, धुआं में कितना ऑक्सीजन जा रहा है ना, उसको चेक करता है। अगर धुआं में ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा है, मतलब हम ज्यादा हवा ये चीज कर रहे हैं, है ना, उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके हम और फ्यूल को जला सकते थे, है ना, तो ऑक्सीजन सेंसर आपको बताता है कि धुआं में कुछ ऑक्सीजन बच गए जो धुआं के साथ बाहर निकल जा रहे हैं, जो वेस्ट हो जा रहे हैं। उसके बाद है फ्यूल इंजेक्टर, इंटेक मैनिफोल्ड, इंटेक मैनिफोल्ड जिससे हवा अंदर आता है। उसके बाद है ऑक्सीजन सेंसर, कैटालिक कन्वर्टर। कैटालिक कन्वर्टर का क्या काम है, BS6 इंजन में कैटालिक कन्वर्टर ही इस्तेमाल किया जाता है। कैटालिक कन्वर्टर का काम है जो भी धुआं हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उसके मात्रा को कैसे कम किया जाए, है ना। कैटालिक कन्वर्टर क्या करता है, उसको केमिकल कंपोजिशन करके जो भी धुआं, जो भी केमिकल, जो भी गैस हो, जैसे नाइट्रोक्स हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, उसको केमिकल कंपोजिशन करके कम हार्मफुल गैस में बदल देता है, ताकि जो धुआं हमारा बाहर निकले वो हमारे शरीर के लिए और हमारे एनवायरमेंटल के लिए भी कम हानिकारक हो, है ना। उसके बाद आपका आता है रेजोनेटर, रेजोनेटर और मफलर, इन दोनों का काम है जो धुआं बाहर निकल रहा है उसमें से वाइब्रेशन और साउंड को कम करना, है ना। अगर देखते हैं हम कोई कोई बाइक अगर टूटा हुआ रहता है, जिसका एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट सिस्टम में कुछ छेद होता है या टूटा हुआ होता है, तो देखते हैं उसमें कितना शोर करता है, भड़बड़ है ना, उस टाइप का आवाज करता है, तो उसके आवाज को और उसके वाइब्रेशन को कम करने के लिए रेजोनेटर और मफलर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद टेल पाइप से वो बाहर की ओर निकल जाता है। नेक्स्ट है हमारा एयर इंटेक, कार इंटेक सिस्टम, है ना, मतलब जितना हम हवा लेंगे, है ना, उस वो पूरा पे डिपेंड करता है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, है ना। अगर हम अच्छा हवा ले रहे हैं तो, बेस्ट हवा ले रहे हैं तो हमारा परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा और फ्यूल इफिशियंसी भी बढ़ेगा, मतलब हम ज्यादा बैकअप फ्यूल का से हमको ज्यादा माइलेज मिलेगा। जितना अच्छा हमारा एयर इनटेक सिस्टम होगा, मतलब जितना हमारा फिल्टर होगा, फिल्टर अगर गंदा होगा, है ना, कुछ हमारा हवा के साथ जो ईंधन जलने के लिए जा रहा है उसमें गंदगी होगा, तो हमारा परफॉर्मेंस भी खराब होगा और फ्यूल एफिशिएंसी भी गिर जाएगा। इसलिए जब भी हम सर्विस कराते हैं तो फ्यूल फिल्टर को, एयर फिल्टर को हमेशा चेंज कराना रहता है या तो साफ करवाना रहता है। एयर फिल्टर, एयर फिल्टर क्या है, एक फाइबरस मटेरियल का बना हुआ होता है ना, जो सॉलिड पार्टिकल, डस्ट हो, बैक्टीरिया हो, या मोल्ड हो, या छोटा कण हो, है ना, उसको साफ करने में मदद करता है। कुछ कुछ गाड़ी में केमिकल एयर फिल्टर भी लगे रहते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं, कैटलिस्ट करते हैं, एयरबोर्न मॉलिक्यूल का भी रिमूव करते हैं, कंटामिनेट करते हैं, है ना, जो आने वाले सिस्टम को भी कंटामिनेट कर सकता है। उसके लिए एयर फिल्टर इस्तेमाल होता है एप्लीकेशन एयर क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, है ना। जो भी एयर क्वालिटी हमारा इंजन सिलेंडर में कंबसन चैम्बर के लिए जा रहा है, मतलब आग लगने के लिए जा रहा है, उसका एयर क्वालिटी कैसा है, है ना, एयर क्वालिटी, है ना, वो बिल्ड करता है वेंटिलेशन सिस्टम पे, है ना, ये कैसा हमारा वेंटिलेशन सिस्टम है इंजन में, उस चीज पे। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ एयर फिल्टर। एयर फिल्टर क्या है, एक हार्ट है ना, जैसे हमारा हार्ट, हमारा शरीर का हार्ट क्या है, खून साफ करता है, ये एयर फिल्टर हार्ट है, ये हवा को साफ करता है, क्योंकि हवा पे ही हमारा सारा डिपेंड करता है। जैसा हवा जाएगा वो इंजन का परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करेगा और वहां के फ्यूल इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा, मतलब ज्यादा हमको फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल माइलेज भी मिलेगा और परफॉर्मेंस भी हमें अच्छा मिलेगा। वही अगर खराब एयर फिल्टर रहेगा तो हमारा दोनों चीज डाउन हो जाएगा, मतलब परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगा और आपका फ्यूल इफिशियंसी है वो भी डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है एयर फिल्टर का हमको जरूरत क्यों पड़ता है। कोई भी कार्बोरेटर है जहां पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर हो रहा है, है ना, अगर कार्बोरेटर में जाने से पहले एयर, एयर फिल्टर उसे साफ नहीं करेगा तो क्या होगा,
वो हवा, वो जो डस्ट है ना, वो डस्ट फ्यूल के साथ मिक्स होते हुए इंजन सिलेंडर में चला जाएगा, है ना, और वो इंजन सिलेंडर में जाएगा तो वो हमारे परफॉर्मेंस को भी और हमारे इंजन को भी इफेक्ट करेगा, हमारे इंजन के परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करेगा, है ना। एयर फिल्टर कितने कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक पेपर एयर टाइप फिल्टर, एक गेज एयर फिल्टर और एक फोम एयर फिल्टर। नेक्स्ट है हमारा मास एयर फ्लो सेंसर, है ना। मास एयर फ्लो सेंसर 2 टाइप के होते हैं, एक वेन मीटर टाइप और एक हॉट वायर टाइप, है ना। तो ये वेन मीटर टाइप का है और ये हॉट वायर टाइप का है। तो मास एयर फ्लो सेंसर का क्या काम है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मास एयर फ्लो सेंसर का काम है तो कितना एयर हमारा फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम के थ्रू इंटरनल कंबसन इंजन में जा रहा है उसको कंट्रोल करता है, है ना। मास एयर फ्लो सेंसर कितना प्रेशर से जा रहा है उस चीज को देखता है ना। जो कॉमन हम लोग का मास एयर फ्लो सेंसर होता है वो हॉट वायर और वेन मीटर टाइप का इस्तेमाल होता है। थ्रॉटल बॉडी, थ्रॉटल बॉडी क्या करता है, वो कंट्रोल करता है कि कंबसन चेंबर में कितना हवा को जाने देना है, है ना। जितना हम एक्सीलेटर दबाएंगे, है ना, उसके अनुसार से हमें ज्यादा फ्यूल चाहिए, है ना, ज्यादा हवा देंगे और जितना फ्यूल जाएगा उतना तेजी से वो ब्लास्ट होगा और जितना तेजी से आग लगेगा वो उतना तेजी से पिस्टन को नीचे की ओर धक्का देगा और पिस्टन जितना तेजी से नीचे जाएगा उतना ही तेजी से आपका क्रैंकशाफ्ट घूमेगा और अदर ट्रांसमिशन सिस्टम घूमेगा और हमारा चक्का तेजी से घूमेगा, है ना। मतलब जब हमको ज्यादा पावर चाहिए होता है उस समय क्या होता है, ज्यादा फ्यूल का कंजप्शन होता है ना। उस समय थ्रॉटल बॉडी जैसे जैसे हम एक्सीलेटर को दबाते हैं उस पर डिपेंड करता है और उसके अनुसार से हवा को जो कंबसन चेंबर में जा रहा है उसे कंट्रोल करता है। एयर इंटेक सिस्टम का वर्किंग प्रोसेस क्या है, है ना, कार्बोरेटर के थ्रू अगर जा रहा है इंजन में, है ना, तो एयर फिल्टर को, एयर फिल्टर उस हवा को साफ कर देता है ताकि कोई भी ईंधन ईंधन के साथ मिक्स होके हवा के साथ गंदगी ना जाए। थ्रॉटल बॉडी, थ्रॉटल बॉडी क्या है, एयर इंटेक का सिस्टम है, ये क्या कंट्रोल कर रहा है कि कितना हवा इंजन कंबसन चेंबर में, मतलब ईंधन दहन होने के लिए कितना हवा इंजन कंबसन चेंबर में जा रहा है, है ना। जैसे जैसे हम एक्सेलरेटर पैडल को दबाएंगे वैसे वैसे थ्रॉटल प्लेट खुलेगा और ज्यादा से ज्यादा हवा को इंजन में भेजेगा। जैसे जैसे हम एक्सेलरेटर पैडल को छोड़ेंगे, है ना, तो थ्रॉटल प्लेट बंद होगा और आपका हवा भी इंजन कंबसन चेंबर में कम जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, रेट ऑफ कंबसन मतलब हमको कितना दहन का प्रक्रिया करना है उसको कंट्रोल करते हैं और वो अल्टीमेटली हमारा गाड़ी का स्पीड को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा इंटेक सिस्टम डायग्राम, है ना। ये एयर फिल्टर सिस्टम है, एयर फिल्टर बॉक्स है, एयर फिल्टर साफ करता है, उसके बाद मास एयर फ्लो सेंसर आपका कितना फ्लो हो रहा है, कितना हवा फ्लो हो रहा है उसको चेक करता है। थ्रॉटल बॉडी हमारे एक्सीलेटर पे डिपेंड करता है, हम कितना एक्सीलेटर ले रहे हैं उसके अनुसार से वो उतना हवा इंजन सिलेंडर के अंदर भेजता है। नेक्स्ट है हमारा कार एग्जॉस्ट सिस्टम, कार एग्जॉस्ट सिस्टम में देखिए ये इंजन है, अगर इंजन जल गया उसके बाद धुआं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से चारों सिलेंडर की से अलग अलग, है ना, उसे निकलते हुए वो कैटलिक कन्वर्टर में जाएगा। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड चारों सिलेंडर से जितना धुआं बाहर निकल रहा है उसे एक जगह पे करेगा, वहां से वो कैटलिक कन्वर्टर में जाएगा। ये है आपका ऑक्सीजन सेंसर है। ऑक्सीजन सेंसर का क्या काम होता है, धुआं में कितना ऑक्सीजन मौजूद है ना, उसको पता करना। उसके बाद कैटलिक कन्वर्टर का क्या काम है, जो भी हमारे शरीर के लिए या एनवायरमेंट के लिए जो हार्मफुल गैस है उसको केमिकल रिएक्शन से कम हार्मफुल गैस में बदलना, है ना, ताकि जो धुआं हमारा बाहर जा रहा है उसमें हम ना ज्यादा हमें भी खतरा ना हो और हमारे पर्यावरण को भी ज्यादा खतरा ना हो। रेजोनेटर, है ना, आपका देखिए यहाँ पे रेजोनेटर और मफलर। रेजोनेटर मफलर का काम है साउंड और वाइब्रेशन को कम करना। कोई गाड़ी में जैसे हम लोग देखते हैं वहां पे देखते हैं किसी का साइलेंसर में अगर छेद रहता है या कुछ रहता है तो कैसे बड़बड़ आवाज करता है, अजीब टाइप का आवाज करता है, ज्यादा शोर करता है ना। तो मफलर का काम है साउंड और वाइब्रेशन को कम करना ताकि यहाँ से जो धुआं बाहर निकले उसका वाइब्रेशन भी कम हो और साउंड भी कम हो, है ना। और ये आपका टेल पाइप हो गया जो गाड़ी के पीछे रहता है जिससे आपका धुआं बाहर निकलता है। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, है ना, ये
आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड किस में लगा हुआ रहता है? सिलेंडर हेड में, है ना, इंजन सिलेंडर हेड में, है ना। तो ये मैनिफोल्ड क्या होता है? सबसे ऊपरी हिस्सा होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का। इसके आगे हम लोग जैसे पढ़े कैटालिक कन्वर्टर लगा हुआ है, ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है, रेजोनेटर लगा हुआ है, रेजोनेटर के बाद मफलर लगा हुआ है, मफलर के बाद टेल पाइप है, है ना। ये सबसे ऊपरी हिस्सा है, है ना। ये डायरेक्ट इंजन के एक साइड में लगा हुआ रहता है, जिस साइड से धुआं का आपका जला हुआ धुआं और गैस कार के इंजन से बाहर निकलता है, है ना। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जितना भी जला हुआ धुआं रहता है ना, वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की मदद से आपका आगे की ओर बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जो जला हुआ धुआं रहता है उसका तापमान बहुत ज्यादा रहता है ना। उसका तापमान है और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से, है ना, इसमें थर्मल फटीग होता है, प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होता है। मतलब इसका प्रॉपर्टीज वैसा होना चाहिए कि उस तापमान को झेल सके। नेक्स्ट है हमारा कैटालिक कन्वर्टर। तो कैटालिक कन्वर्टर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है ना, जो कैटलिस्ट का यूज करके, है ना, जो तीन को हार्मफुल कंपाउंड है कार एग्जॉस्ट सिस्टम से, उसको हार्मलेस कंपाउंड में बदलता है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है ना, तो हाइड्रोकार्बन इन द फॉर्म ऑफ अनबर्न गैसोलीन, जो ईंधन नहीं जल पाया बढ़िया से, है ना, वो हाइड्रोकार्बन है। कार्बन मोनोक्साइड, है ना, कार्बन मोनोक्साइड क्या होता है? वो गैसोलीन का कंबशन की वजह से होता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड किसकी वजह से होता है? जो गर्मी रहता है इंजन में, है ना, वो नाइट्रोजन को फोर्स करता है कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाए। तो कैटालिक कन्वर्टर का क्या काम है? जो भी हार्मफुल गैस है उसको हार्मलेस कंपाउंड में बदलना केमिकल रिएक्शन के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा मफलर। तो मफलर क्या है? एक साइलेंसर के तौर पे है। मफलर का काम है नॉइज, जो आवाज निकल रहा है या वाइब्रेशन निकल रहा है उसको कम करना, है ना। मफलर क्या करता है? नॉइज को, जो धुआं से के साथ जो शोर है ना, उस शोर को कम करता है। उसके अंदर में छोटे छोटे पाइप लगे हुए रहते हैं और एंड प्लेट होता है ना। जैसे ही साउंड एक जगह से जाता है दूसरी जगह से, फिर उसे टकरा के वापस आना पड़ता है, तो उसकी वजह से वहां पे उसके आवाज में भी कमी आता है, उसके गति में भी कमी आता है ना, और वाइब्रेशन भी कम होता है। ये सिंपल दो तीन ट्यूब से बना हुआ रहता है ना, जो साउंड को रिफ्लेक्ट करता है और उसके आवाज को कम करता है, उसके वेव को काटता है ना। एक दूसरे को वेव, एक साउंड का वेव है दूसरे साउंड का वेव को, एक दूसरे को काट के आवाज को कम करता है। नेक्स्ट है जैसे डिजाइन ऑफ मफलर, है ना। तो मफलर का डिजाइन किस टाइप से होता है? देखिए इस टाइप का है ना, छिद छिद टाइप का, और ये चीज होता है एक जगह से जो साउंड वेव है वो जा रहा है, उसके बाद वो टकराता है ना, तो इस तरीके से वो फैलता है, एक जगह पे फैलता है अलग अलग पार्ट में, तो फैलता है, तो उसकी वजह से एक साउंड वेव दूसरे को कट करता है और उसकी वजह से साउंड आपका और वाइब्रेशन कम होता है ना। वेक्टर मफलर होता है जो लार्ज ट्रक और ये सब के लिए इस्तेमाल होता है, और स्पाइरल बैफल मफलर नॉर्मल कार के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारा मेन पार्ट ऑक्सीजन सेंसर, है ना। तो ऑक्सीजन सेंसर क्या करता है? ऑक्सीजन सेंसर देखता है कि जो एग्जॉस्ट के साथ धुआं बाहर निकल रहा है उसमें ऑक्सीजन का मात्रा, ऑक्सीजन उसमें अवेलेबल है या नहीं है, है ना। तो ऑक्सीजन उसमें अगर ज्यादा है ना, उसके अनुसार से वो फ्यूल को सप्लाई को सप्लाई फ्यूल के सप्लाई को कम या बेसी करता है, ताकि जो फ्यूल है वो करेक्ट मिक्सचर में हो और पूरा का पूरा ईंधन, मतलब जितना हम फ्यूल छिड़के हैं वो हवा उस फ्यूल के लिए काफी हो जलाने के लिए, है ना, कोई भी हवा बचा हुआ ना रह जाए, है ना। इसलिए उसको इस्तेमाल, ऑक्सीजन सेंसर को इस्तेमाल करते हैं, जो हमें सेंस करके बताता है कि एग्जॉस्ट में धुआं के साथ ऑक्सीजन का मात्रा है या नहीं है। नेक्स्ट है पॉल्यूटेंट फ्रॉम कार एग्जॉस्ट। कार एग्जॉस्ट से क्या क्या पोल्यूटेंट निकलता है? जैसे CO, कार्बन मोनोक्साइड, है ना, ये मेन सोर्स है कार्बन मोनोक्साइड का, है ना, इंटरनल कंबसन इंजन से। ये कब प्रोड्यूस होता है? जब आपका ईंधन बढ़िया से नहीं जला, इनकम्प्लीट कंबसन हुआ, मतलब फ्यूल बढ़िया से नहीं जला। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? इंटरनल कंबसन इंजन ये करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा को एटमोसफेयर हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है ना। नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, जब फ्यूल बहुत हाई टेम्परेचर में जलाया जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म होता है। नाइट्रोजन, जैसे बोले कि नाइट्रोजन को फोर्स किया जाता है ऑक्सीजन के साथ
कंपाउंड बनाने के लिए, है ना। उसके बाद होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का फ्यूल के साथ पास होता है जब, है ना, जो ईंधन नहीं जला है, है ना, वो एटमोस्फेयर में अगर एक्सपेल किया कर दिया जा रहा, बाहर चल दिया जा रहा है, तो उसमें हाइड्रोकार्बन का भी मात्रा रहता है, है ना। और बहुत सारा है, सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट रहता है, कुछ कुछ अदर पोल्यूटेंट भी मौजूद रहता है। नेक्स्ट है हमारा टेल पाइप। टेल पाइप क्या है, ये अंतिम सीरा है, है ना, जहां से जब जो धुआं बाहर निकल रहा है उसके आवाज को और उसके वाइब्रेशन को भी कम कर दिया जाता है। उसके बाद वो धुआं लास्ट का पार्ट है जो कार के पीछे लगा हुआ रहता है, और धुआं पीछे की ओर बाहर ओपन एयर में छोड़ दिया जाता है, है ना। नेक्स्ट है हमारा टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर में क्या है, तो देखिए आपका जो धुआं बाहर निकल रहा है ना, उसमें प्रेशर भी रहता है ना, तो उसको दो टर्बाइन के थ्रू जोड़ा जाता है। मतलब यहां से जो आपका इंजन सिलेंडर है, यहां से जो धुआं बाहर निकल रहा है ना, इस धुआं का इस्तेमाल करके, है ना, इस टर्बाइन को घुमाया जाता है ना। ये टर्बाइन जुड़ा हुआ रहता है दूसरे टर्बाइन से, वो टर्बाइन किसको करता है, जो हवा रहता है, जो आपका इंटेक मैनिफोल्ड है, उसके हवा को कंप्रेसर के थ्रू कंप्रेस करके, है ना, इंटरकूलर में, अगर किसी चीज को हम कंप्रेस करेंगे तो उसका तापमान बढ़ेगा, उसको इंटरकूलर में कूल करके फिर इंजन सिलेंडर में भेजा जाता है। तो इससे क्या होता है कि धुआं जो बाहर निकल रहा है उसी का हम इस्तेमाल करके एक टर्बाइन को और चला रहे हैं, है ना, वो टर्बाइन हमें ज्यादा हवा प्रोवाइड कर रहा है इंजन सिलेंडर में फ्यूल को जलाने के लिए। टर्बो चार्जर का प्रिंसिपल क्या होता है, एयर इज प्रेशराइज्ड बाय कंप्रेसर, कंप्रेसर के द्वारा प्रेशराइज किया जाता है। मतलब एक टर्बाइन इस साइड है, एक टर्बाइन इस साइड है, है ना, तो इस टर्बाइन को कौन चला रहा है, जो इंजन से धुआं बाहर निकल रहा है वो चला रहा है ना। तो दिस पार्ट ऑफ एग्जॉस्ट टर्बाइन, ये इसको कौन चला रहा है, एग्जॉस्ट गैस, है ना। तो ये टर्बाइन जो चल रहा है ये पावर ट्रांसफर करता है किसको, इस साइड के टर्बाइन को, इस साइड के टर्बाइन को, और इस साइड का टर्बाइन आपका क्या कर रहा है, हवा जो आ रहा है ना, हवा को कंप्रेस करके, और ज्यादा हवा को कंप्रेस करके इंजन सिलेंडर के और भेज रहा है ना। तो जब इसको कंप्रेस करेगा तो यहाँ पे क्या है, एक इंटरकूलर लगा रहता है। इंटरकूलर का क्या है, जो हवा आ रहा है, कंप्रेस हवा आ रहा है ना, उसके तापमान को कम कर देना जब वो इंजन सिलेंडर के अंदर जाएगा, है ना। इस टाइप का इंजन हाई पावर डेंसिटी में काम करता है विदाउट इंक्रीज ऑफ थर्मल लोड, थर्मल लोड बढ़ाए बिना भी काम करता है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ टर्बो चार्जर, इस साइड का टर्बाइन आपका धुएं की वजह से चल रहा है ना, उसकी वजह से ये शाफ्ट की वजह से ये भी चल, ये कंप्रेसर हाउसिंग है ना, जो नया हवा आ रहा है उसे कंप्रेस करके इंजन सिलेंडर में भेजता है। इस तरीके से हम इंटेक मैनिफोल्ड में क्या क्या पार्ट्स लगे रहते हैं उसके बारे में सीखे, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में क्या क्या पार्ट्स लगे रहते हैं उसके बारे में सीखे, और टर्बो चार्जर के बारे में सीखे। अगले दिन हम लोग कुछ दूसरे पार्ट के बारे में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।